तो आज का ब्लॉग सुबह के 6:30 AM से स्टार्ट हो रहा है एंड ये देखो कैसे पूरा सब बिखरा पड़ा है। रात को लेट हो गया था इसलिए मैंने सब छोड़ के सो गया था। तो चलो सबसे पहले इसे साफ करते हैं। तो ये साफ हो गया, एकदम चकाचक दिख रहा है अभी, बट शाम तक फिर से वैसे ही हो जाएगा। और अभी अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं एंड आज का हमारे टू डू लिस्ट में कई सारे टास्क होने वाले, लाइक लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। सो बेसिकली आज के हमारे यही टारगेट्स है एंड ये मैंने बहुत सोच समझ के लिया बिकॉज कि मैंने पहले से इतना टास्क ले लिया और ऊपर से एक और लेक्चर ड्यूटी का, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट देखते हैं क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग रिवीजन से। एंड ये मॉर्निंग रिवीजन कोई खास नहीं होता है, बेसिकली मैंने प्रीवियस डेज जो भी क्लास में पढ़ा था ना उसे एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ कि हाँ मैंने कल के क्लास में ये पढ़ा था, लाइक एक शॉर्ट रिवीजन हो जाता है। सो रिवीजन तो हो गया एंड अभी स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का लेक्चर। सो अभी मैं लेक्चर ले ही रहा था जब तक मेरी बहन मेरे लिए नाश्ता ले आई, पास्ता, और अभी तक मेरा कॉफ़ी भी ख़त्म हुआ ही नहीं है, तो अभी इसको भी खाना पड़ेगा नहीं तो बाद में ठंडा होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो अकाउंट्स का लेक्चर हो गया और अभी मैं जा रहा हूँ डीटी का लेक्चर देखने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और डीटी में हमारा कैपिटल गेन चल रहा है और इसके बाद हमारा पीजीबीपी स्टार्ट होएगा। और आई थिंक स्टार्ट हो भी गया है बिकॉज कि मेरा बैकलॉग लगा है ना, इसके लिए मेरा अभी थोड़ा कैपिटल गेन पे अटका हूँ, बट कुछ दिनों में पीजीबीपी भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये हमारा डीटी का लेक्चर भी हो गया। अरे भाई ठीक हो जा। और अभी लगभग 1:30 हो रहा है, मेरा प्लान था कि 1 PM तक मैं लॉ का लेक्चर भी कर लूँगा, बट डीटी के लेक्चर में टाइम लग गया तो नहीं हो पाया एंड अभी 1:30 हो गया है। तो मम्मी मुझे बुला रही लंच करने को, तो आपसे मिलता हूँ लंच करने के बाद। और मैं लंच करने जा ही रहा था कि जब तक कुरियर वाले का कॉल आ जाता है कि पार्सल आया है तो इसे ले लेते हैं एंड ये बुक्स आया है। और ये इतनी बुक्स तो पढ़ी नहीं जा रही है और यहाँ पे बुक्स पे बुक्स आए जा रहे हैं। तो जी मैं लंच करके आ गया हूँ और तो अभी थोड़ा बहुत टाइम पास करेंगे फिर अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। सो प्लान के अकॉर्डिंग तो मुझे डीटी के लेक्चर के बाद लॉ का लेक्चर लेना था, बट अभी जस्ट मैं लंच करके आया हूँ एंड मैं लॉ का लेक्चर लिया ना तो पक्का मुझे नींद आ जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ डीटी का चैप्टर 1 का रिवीजन नोट्स बनाने, उसके बाद मैं लॉ का लेक्चर लूँगा। वैसे मैंने नोट्स बनाए थे पर वो नोट्स ना उतने अच्छे नहीं थे, मतलब कि मैंने बहुत घाई घर में बनाया था, जरा हैंड राइटिंग मेंटेन नहीं किया था, प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं किया था, इसलिए मैं फिर से नोट्स बना रहा हूँ ताकि मैं उसे प्रॉपरली बाद में रिवीजन कर सकूँ। सो डीटी चैप्टर 1 का नोट्स तो बन गया एंड अभी स्टार्ट करते हैं लॉ का लेक्चर। एंड किसी ने तो पूछा था कि आप लॉ को याद कर रहे हो या सिर्फ क्लास लेते जा रहे हो। सो देखो मैं सिर्फ क्लास लेते जा रहा हूँ बिकॉज कि मेरा बहुत बैकलॉग लगा पड़ा है। इवन हमारी मैम डेली ना एक क्वेश्चन भी देती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने को, मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ एंड ये चीज़ बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम दे सकती है सेम फाउंडेशन की तरह। मुझे जल्दी से सब मैनेज करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसे याद करना स्टार्ट करना होगा। सो लॉ का लेक्चर भी हो गया एंड अभी मैं जा रहा हूँ मेरे शाम का 1 आवर का ब्रेक लेने, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो जी आ गया मैं एंड अभी देखते हैं हमें क्या करना है। तो अपना डिनर करते करते डीटी का हाउसिंग प्रॉपर्टी का नोट्स बनाएंगे, उसके बाद मैलगमेशन का प्रैक्टिस और रिविजन करेंगे। और हाँ कोई ये मत बोलना कि भाई तेरे घर पे प्लेट नहीं है क्या, सीधा पैन लेकर आ जाता है। सो देखो ऐसा कोई बात नहीं है, वो मेरा लेजीनेस है। एक तो बनाओ फिर बनाने बाद पैन से तवा में डालो, पैन से प्लेट में डालो, कौन ना झंझट पालेगा यार, छोड़ो जान दो ना मुझे उसी में खाने दो ना। एंड वैसे भी स्पेशली वो मैंने अपने लिए लाया था आज से 1 ईयर पहले, बट किसी और काम के लिए लाया था तो वो काम तो उस समय नहीं हुआ, तो मुझे लगा था यार क्या वेस्ट ऑफ मनी हो गया अभी क्या करूँ। तो मम्मी मुझे बोली कि रहन दे कभी कुछ काम आ जाएगा, और आज से देख रहा हूँ कि कुछ मन से वही काम आ रहा है मेरे लिए। मैं अपना उसमें बनाता हूँ, खाता हूँ, फिर वापस धोधा के, मतलब धोता मैं नहीं हूँ, मम्मी धोती है, धोधा के रख देते हैं उसको साइड में। वैसे मुझे पता है आप लोग मुझे जज नहीं करोगे, बट कुछ लोग हैं यार जो जबरदस्ती का जज करते तो उनको बताना पड़ता है। एंड 10 PM तक हाउसिंग प्रॉपर्टी का रिवीजन नोट्स बनता है जो कि बहुत लेट हो गया है
अभी भी स्टिल मुझे अमलगमेशन का प्रैक्टिस करना है एंड रिवीजन करना है। खैर कोई ना, थोड़ा बहुत रिफ्रेश हो जाते फिर स्टार्ट करते। A few moments later. तो चलो स्टार्ट करते। मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों हो पाएगा बिकॉज कि बहुत लेट हो गया। चलो फिर भी ट्राई करते, देखते कितना क्या होता है। वैसे अकाउंट्स का मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे एक चैप्टर होता है ना तो मैं उसका कुछ दिनों के बाद ना डिटेल रिवीजन शेड्यूल कर लेता हूँ एंड उसके साथ साथ उसका सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। इससे ना एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है, डिटेल में रिवीजन हो जाता है। सो मैंने रिवीजन तो कर लिया बट मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया, कुछ ही बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया एंड अभी ज़्यादा कुछ करूँगा तो ज़्यादा ही लेट हो जाएगा, फिर मैं जल्दी सुबह उठ नहीं पाऊँगा। सो अभी फिलहाल के लिए इधर ही स्टॉप करेंगे, बाकी का कल देखेंगे।